दोस्तों, दुनिया में शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसे सांपों से डर नहीं लगता होगा। लेकिन आज मैं आपको दुनिया भर में मिलने वाले ऐसे 10 तरह के जानवरों के बारे में बताने वाली हूँ जिन पर सांप के जहर का कोई असर नहीं होता है। सांप के जहर का जिस जानवर पर कोई असर नहीं होता है उसमें सबसे पहले नाम है नेवले का। इंडियन ग्रे नेवले में विशेष रूप से कोबरा जैसे जहरीले सांपों के जहर से बचने की जबरदस्त क्षमता पाई जाती है। नेवले में ये क्षमता कई तरह के शारीरिक अनुकूलन के कारण होती है, जैसे कि सांप के जहर में अक्सर न्यूरोटॉक्सिन होते हैं जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर्स से चिपक कर तंत्रिका तंत्र को निशाना बनाते हैं, जिससे तंत्रिका तंत्र के संकेत मांसपेशियों तक नहीं पहुंच पाते, जिसके कारण शरीर को लकवा मार जाता है। नेवले के एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर्स में एक अनोखा म्यूटेशन होता है जिससे ये रिसेप्टर्स सांप के जहर के प्रभावों से बच जाते हैं, जिसके कारण सांप का न्यूरोटॉक्सिन नेवले के तंत्रिका और मांसपेशी के बीच के कम्युनिकेशन पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता। इसके अलावा नेवले पर सांप के जहर का असर नहीं होने का दूसरा कारण है कि नेवले सांप के जहर को बेअसर करने वाले एक विशेष तरह के प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। ये प्रोटीन जहर के मॉलिक्यूल्स से चिपक सकते हैं, जिसके कारण सांप का जहर नेवले के शारीरिक तंत्रों के साथ कोई क्रिया नहीं कर पाता। इसके अलावा नेवले की मोटी स्किन और घने बाल सांप के जहर को उसके शरीर में अंदर तक पहुंचने से रोकने का काम भी करते हैं। इसके अलावा नेवले ने सांपों से लड़ने के लिए खास तरह के व्यवहार को विकसित किया है, जिसमें ये सांप को परेशान करने और उन्हें थका देने की टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हैं। यही कारण है कि नेवला सांप पर लगातार वार करता रहता है ताकि वो थक जाए। इन्हीं सभी विशेषताओं के कारण नेवला सांप का आसानी से शिकार कर पाता है। ऐसे ही हेजहॉग में सांपों के जहर से बचने की जबरदस्त क्षमता पाई जाती है। हेजहॉग के टिश्यूज में एरिनासिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है जिसमें कुछ खास सांपों के जहर को बेअसर करने की क्षमता होती है। जब किसी हेजहॉग को कोई जहरीला सांप काटता है तो एरिनासिन जहर को फैलने से रोकने में हेल्प करता है और इसके जहरीले प्रभावों को कम करता है। कई वैज्ञानिक स्टडीज से पता चला है कि हेजहॉग का सीरम वाइपर सहित कई तरह के सांपों के जहर के प्रभाव को बेअसर कर सकता है। इसके अलावा हेजहॉग सांपों के जहर से बचने के लिए अपनी रीढ़ को भी काम में लेते हैं। सांप को देखकर हेजहॉग अपनी रीढ़ को गेंद की तरह मोड़ लेता है और शरीर के नाजुक अंगों को सुरक्षित कर लेता है। इस तरह से हेजहॉग बड़ी ही आसानी से सांप के डंक से बच जाता है। अब बात करते हैं हनी बेजर की। हनी बेजर की सांप के जहर के प्रति प्रतिरक्षा का मेन कारण इनके एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर्स में म्यूटेशन है। सांप का जहर अक्सर पीड़ित के शरीर में इन रिसेप्टर्स से जुड़कर काम करता है, जिससे लकवा या मौत हो सकती है। हालांकि हनी बेजर के रिसेप्टर्स में म्यूटेशन उनके आकार को बदल देता है, जिससे जहर की शक्ति कम हो जाती है। इसके अलावा हनी बेजर की स्किन मोटी और ढीली होती है, जिसके कारण भी सांप का जहर हनी बेजर के शरीर में अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। ये सभी फैक्टर्स मिलकर हनी बेजर को सांप के जहर के प्रति रेजिस्टेंस कैपेसिटी प्रदान करते हैं, जिससे वो कोबरा और पफ एडर जैसे जहरीले सांपों का शिकार कर सकती है। ऐसे ही ओपोसम पर भी सांप के जहर का कोई असर नहीं होता। ओपोसम ने लेथल टॉक्सिन न्यूट्रलाइजिंग फैक्टर नाम के प्रोटीन की हेल्प से सांप के जहर के प्रति रेजिस्टेंस कैपेसिटी डेवलप की है। ये प्रोटीन विशेष रूप से कई सांपों के जहर के जहरीले प्रभावों को बेअसर करने में बड़ा ही प्रभावी साबित होता है। LTNF एक प्रोटीन है जो ओपोसम के खून में पाया जाता है। सांप के जहर में आमतौर पर एंजाइम, पेप्टाइड्स और दूसरे मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर होता है जो टिश्यू डैमेज, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स एंड न्यूरोटॉक्सिक जैसे प्रभाव पैदा कर सकते हैं। LTNF जहर के कंपोनेंट्स से जुड़ जाता है, जिससे वो पूरी तरह से बेकार हो जाते हैं। इस बॉन्डिंग प्रोसेस के कारण सांप का जहर ओपोसम को नुकसान पहुंचा पाने से पहले ही पूरी तरह से बेअसर हो जाता है।
ओपोसम में LTNF जैसे प्रोटीन की मौजूदगी इवोल्यूशनरी एडप्शन का एक अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि ओपोसम लंबे समय तक जहरीले सांपों के कांटेक्ट में रहे हैं और नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू इनके अंदर ऐसे म्यूटेशन पैदा हुए जो इन्हें सांपों के जहर से बचाने का काम करते हैं, जिसके कारण ओपोसम की आबादी में LTNF प्रोटीन का जन्म हुआ होगा। रिसर्चर LTNF प्रोटीन को स्टडी कर रहे हैं ताकि नए एंटी वेनम ट्रीटमेंट डेवलप किए जा सके, ताकि इसका उपयोग सांप के काटने के शिकार लोगों के इलाज के लिए ज्यादा प्रभावी ढंग से किया जा सके। ऐसे ही यूरेशियन ब्राउन बियर पर भी सांप के जहर का कोई असर नहीं होता। अभी तक यूरेशियन ब्राउन बियर के बारे में नेवला या हनी बेजर की तुलना में इस बात का पता नहीं लगाया जा सका है कि आखिर यूरेशियन ब्राउन बियर पर सांपों के जहर का असर क्यों नहीं होता। यूरेशियन ब्राउन बियर पर सांप के जहर का असर नहीं होने का कारण इसके बड़े आकार को भी माना जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके बड़े आकार का मतलब है कि सांप द्वारा इंजेक्ट किए गए जहर की मात्रा उनके पूरे शरीर के मास के कंपैरिजन में काफी कम है, जिसके कारण भालू के विशालकाय शरीर पर सांप के जहर का कोई असर नहीं होता। इसके अलावा भालुओं के पास मोटा फर और मोटी स्किन भी होती है जो सांप के नुकीले दांतों को भालू के शरीर की उस गहराई तक पहुंचने से रोकती है, जिसके कारण भालू के शरीर में सांप के जहर का कोई असर नहीं होता। ये फिजिकल बैरियर सिग्निफिकेंट डिटॉक्सिफिकेशन की संभावना को बहुत हद तक कम कर देता है। इसके अलावा वैज्ञानिकों का मानना है कि छोटे जानवरों के कंपैरिजन में भालुओं का मेटाबॉलिज्म सिस्टम काफी स्लो होता है। ये स्लो मेटाबॉलिज्म इनके शरीर के सिस्टम में जहर के फैलने की स्पीड को कम करने में हेल्प करता है, जिससे इनके शरीर को जहरीले पदार्थों को बेअसर करने और उन्हें प्रोसेस्ड करने के लिए ज्यादा टाइम मिल जाता है। भले ही यूरेशियन ब्राउन बियर पर सांप के जहर का असर नहीं होने के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी इस बात की संभावना है कि उन्होंने अपने खून में प्रोटीन या एंटीबॉडी जैसे कुछ बायोलॉजिकल सिस्टम डेवलप कर लिए हों जो सांप के जहर के प्रभाव को बेअसर या पूरी तरह से कम कर देता है। इसके अलावा भालू जहरीले सांपों के साथ सीधे टकराव से भी बचते हैं या सांप के काटने से पहले ही उन्हें मार गिराने में माहिर हो सकते हैं। अब बात करते हैं ग्राउंड स्क्वायरल्स की। ग्राउंड स्क्वायरल्स खासतौर पर उन इलाकों में रहती हैं जहां पर उनका सामना अक्सर रैटल स्नेक जैसे जहरीले सांपों से होता है। इसी कारण से ग्राउंड स्क्वायरल्स ने कुछ ऐसे एडेप्शन डेवलप किए हैं जो इन्हें सांप के जहर के प्रति कुछ हद तक रेजिस्टेंस कैपेसिटी प्रदान करते हैं। जैसे ग्राउंड स्क्वायरल्स के खून में विशेष तरह का सीरम प्रोटीन पाया जाता है जो सांप के जहर के जहरीले कंपोनेंट्स को बांधकर पूरी तरह से बेअसर कर सकते हैं। ये प्रोटीन कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने या फिजिकल प्रोसेसेस को रोकने की जहर की क्षमता को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। पीढ़ियों से बहुत ज्यादा सांप वाली आबादी वाले क्षेत्रों में रहने वाली ग्राउंड स्क्वायरल्स नेचुरल सिलेक्शन के दौर से गुजरी हैं, जिसके कारण इनके अंदर विशेष तरह के म्यूटेशन पैदा हुए हैं जो सांपों के जहर से इन्हें बचाकर उनके जिंदा रहने और प्रजनन करने की संभावना को बढ़ा देते हैं, जिसके बाद ये वैल्यूएबल म्यूटेशन इनके संतानों में भी पहुँच जाते हैं। फिजिकल इम्यूनिटी के अलावा ग्राउंड स्क्वायरल्स ऐसे बिहेवियर भी शो करती हैं जो सांप के जहर के असर को काफी हद तक कम कर देता है। उदाहरण के लिए वो सांपों पर रेत फेंकने के लिए अपनी पूंछ का इस्तेमाल करती हैं ताकि सांप को कुछ दिखाई ना दे, जिसके कारण सांप गिलहरी को काट नहीं पाता। ऐसे ही एक रिसर्च से पता चला है कि जुवेनाइल ग्राउंड स्क्वायरल्स में बड़ों के कंपैरिजन में पॉइजन रेजिस्टेंस का लेवल ज्यादा होता है। ये शायद एक एवोल्यूशनरी एडप्शन है, क्योंकि जुवेनाइल ग्राउंड स्क्वायरल्स का शिकार आसानी से किया जा सकता है क्योंकि इन्हें सांपों से बचने का कोई अनुभव नहीं होता है। ऐसे ही सेक्रेटरी बर्ड यानी सेगेटेरियस सर्पेटेरियस पर भी सांपों के जहर का कोई असर नहीं पड़ता। सेक्रेटरी बर्ड्स अपने विशेष शिकार के तरीके के लिए जाने जाती हैं। वो अपने शिकार पर शक्तिशाली सटीक प्रहार करने के लिए अपने लंबे पैरों का इस्तेमाल करते हैं,
जिसका मकसद सांप को जल्दी से मारना या उसे डिसेबल करना होता है, जिससे सांप उन्हें काट नहीं पाता। ऐसे ही बात करें सिक्रेटरी बर्ड्स के फिजिकल एडेप्शंस की, तो इनके लंबे पैर इनके शरीर को सांप से दूर रखते हैं, जिससे सांप के काटने पर जहर शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों तक नहीं पहुंच पाता है। इसके अलावा सेक्रेटरी बर्ड के पैरों पर हार्ड स्केली स्किन होती है, जो इन्हें सांप के काटने से कुछ हद तक सुरक्षा देती है। यानी ये कहा जा सकता है कि इनकी फुर्ती ही इन्हें सांपों के हमले से बचाती है। ऐसे ही किंग स्नेक के खून में ऐसे प्रोटीन होते हैं जो सांप के जहर में मौजूद जहरीले पदार्थों को पूरी तरह से बेअसर कर सकते हैं। ये प्रोटीन जहर के कंपोनेंट्स से चिपक जाते हैं, जिससे किंग स्नेक के शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। सांप का जहर अक्सर एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर्स को निशाना बनाता है, जो नर्व मसल कम्युनिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट हैं। किंग स्नेक ने एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर्स को रिवाइज्ड किया है, जो जहर के जहरीले पदार्थों के प्रति कम सेंसिटिव हैं, जिससे जहर उनके न्यूरोमस्कुलर फंक्शंस पर कोई ज्यादा असर नहीं दिखा पाता है। ऐसे ही जंगली सुअरों पर भी सांप के जहर का कोई असर नहीं होता। जंगली सुअरों की स्किन मोटी होती है और इसके अलावा इनकी स्किन के नीचे फैट की एक मोटी लेयर होती है, जो सांप के जहर को शरीर के ज्यादा अंदर एंट्री करने से रोकती है। ये फिजिकल बैरियर जहर को इम्पोर्टेंट टिश्यूज तक जल्दी पहुंचने से रोकने में हेल्प करता है। जंगली सुअरों में एक स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम होता है, जो इंजरीज और इन्फेक्शंस को तुरंत ठीक करता है। इनके खून में प्रोटीन और कोशिकाएं होती हैं, जो जहरीले पदार्थों को बेअसर कर सकती हैं और इस जहर के असर को कम करने के लिए तेजी से काम शुरू करती हैं। समय के साथ जंगली सुअरों ने जेनेटिक एडेप्शंस डेवलप कर लिए होंगे, जो उन्हें कुछ सांपों के जहर के प्रति ज्यादा रेजिस्टेंट बनाते हैं। इन एडेप्शंस में इनके सेलुलर रिसेप्टर्स में ऐसे म्यूटेशन शामिल हो सकते हैं, जो जहर के टॉक्सिक सब्सटेंसेस के हानिकारक प्रभावों को कम करने का काम करते हैं। यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि जंगली सुअरों में कुछ रेजिस्टेंस कैपेसिटी तो होती है, लेकिन वो सभी तरह के सांपों के जहर से पूरी तरह इम्यूनाइज्ड नहीं होते। इम्यूनाइज्ड की डिग्री सांप की प्रजाति और जहर के तरह के आधार पर अलग अलग हो सकती है। सांप के जहर के प्रति उनके रेजिस्टेंस के पीछे स्पेसिफिक बायोलॉजिकल सिस्टम को पूरी तरह से समझने के लिए और ज्यादा रिसर्च की जरूरत है। हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर है मीरकैट। मीरकैट हाईली सोशल एनिमल है और अक्सर जहरीले सांपों को एक जगह पर इकट्ठा करके उन्हें परेशान करने के लिए एक साथ काम करते हैं, जिससे किसी एक मीरकैट के काटे जाने का जोखिम कम हो जाता है। वो सांपों की उपस्थिति के बारे में एक दूसरे को चेतावनी देने के लिए कोऑर्डिनेटेड अटैक्स एंड अलार्म कॉल्स का उपयोग करते हैं। मीरकैट्स में जहर के प्रति कुछ हद तक जन्मजात प्रतिरोध पाया जाता है। ऐसा शायद पर्यावरण में इवोल्यूशनरी प्रेशर्स के कारण होता है। इस प्रतिरोध में बायोकेमिकल एडप्शन शामिल हो सकते हैं, जो उनके टिश्यूज को जहर के असर के प्रति कम सेंसिटिव बनाते हैं। मीरकैट्स में एक स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम होता है, जो जहर के प्रति तुरंत काम शुरू कर देता है, जिसके कारण जब तक जहर शरीर के किसी हिस्से को नुकसान पहुंचा पाता है, उससे पहले ही जहर को पूरी तरह से बेअसर कर दिया जाता है। इसके अलावा युवा मीरकैट्स को ग्रुप के बड़े सदस्यों द्वारा ट्रेनिंग भी दी जाती है कि कैसे जहरीले सांपों का सामना करना है और उन्हें मारना है। इस ट्रेनिंग के कारण मीरकैट्स पर सांपों के जहर का कोई असर नहीं होता। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मीरकैट सांप के जहर के प्रति पूरी तरह से इम्यूनाइज्ड नहीं है, फिर भी उनकी बिहेवियरल स्ट्रेटजीज, पार्शियल बायोकेमिकल रेजिस्टेंस एंड एक्यूट इम्यून रिस्पॉन्सेस उन्हें जहरीले सांपों वाले वातावरण में भी जिंदा रखने का काम करते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।